कहते हैं नाम से सबकी पहचान होती है और वो पहचान आपको आपके होने का एहसास कराती है। लेकिन कभी कभी कुछ नाम ऐसे रख दिए जाते हैं कि उनको सुनकर आपकी हंसी भी शर्मा जाए। कुछ ऐसे ही गांवों और जगहों के नाम हम आपको बताने आए जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या वाकई हमारे देश में ऐसे भी नाम हैं। तो बात शुरू करते हैं चोरपुर से। आप किसी भी इंसान को चोरपुर का नाम अगर बताएंगे तो शायद उसे लगेगा या तो ये कोई मजाक है या फिर चोरों की कोई बस्ती बसी होगी। लेकिन नहीं जनाब, इस गांव में सब भी लोग रहते हैं, बस नाम में ही थोड़ा खोट है। इसी तरह तिब्बत की ऊंची चोटियों के पास बसा भारत का एक गांव जिसका नाम है बू। है ना सोचने वाली ये बात, ये कैसा नाम है भाई। खैर अभी तो ना जाने कितने और नाम गिनाने बाकी हैं, जैसे नरकटिया जंक्शन। जाहिर है यहाँ रहने वाले लोग किसी को काटते नहीं होंगे, लेकिन नाम में मरने मारने की झलक साफ दिखाई देती है। फिर चाहे बात काला बकरा की हो, बिल्ली की हो या फिर भैंसे की, इस तरह ना जाने कितने ही गांव हमारे यहाँ मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन नामों के अलावा हमारे रिश्तेदार और घर परिवार तक सभी यहाँ आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे शायद जगहों के नाम ऐसे ही रखती है जिसमें बाप से लेकर नाना, साली और दीवाना सब के सब यही मिलते हैं। खैर इन सभी नामों के अलावा हमारे गांव देहात में ऐसे अनेकों गांव हैं जिनका नाम और उनकी पहचान दोनों आपस में बहुत अलग हैं। जैसे कि हरियाणा के कुछ गांवों के नाम कुत्ताबाद, कुतियामवली, लुला अहिर, दुर्जनपुर और किन्नर तक है। ऐसे में जब गांव की पहचान ही कुछ ऐसी हो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे तो गाँव के लोगों का सकते में होना लाजमी है। अब इन गांवों का नाम किसी ने कैसे और कब रखा इतना बताना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत से गांवों के लोग अपने गाँव का नाम बदलने की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन नाम बदलने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि वो इससे बदलने में नाकामयाब रहते हैं। अब सोचने वाली बात है ना, जहां एक तरफ हमारे देश में सरकारें दो दिन में पूरे शहर का नाम बदल देती हैं, वहीं छोटे से गांव का नाम बदलने के लिए गाँव वालों को लंबी कोशिशें करनी पड़ती हैं। खैर आप भी बताएं आपके गाँव देहात के पास ऐसा कौन सा गाँव है जो कि नाम में सबको गुदगुदाने की काबिलियत रखता है।